पढ़ाई 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 पढ़ नहीं पा रहे हम लोग। मोटिवेट करो, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन हर बात पे, मोटिवेशन टेलीग्राम पे मोटिवेशन चाहिए, फेसबुक पे मोटिवेशन चाहिए। सर मोटिवेशन वीडियो देख देख के पूरा दिन खत्म हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। आज मैं आप लोगों से बहुत डिटेल में बात करूंगा इस बारे में यार, क्यों पढ़ाई नहीं होती यार आप लोगों की, क्या ऐसी दिक्कत है आपकी जिंदगी में जो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। बिना हाथ पैर के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही। क्या दिक्कत है आखिर ऐसी भाई, क्या दिक्कत है? चलो बात करते हैं सर आपसे कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही और आप मोटिवेशनल वीडियोस क्यों ढूंढते रहते हो। अरे मोटिवेशनल वीडियो यार आपकी पढ़ाई नहीं करवा देगी, बिल्कुल नहीं करवा देगी। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि वी लुक फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, आपको अपने अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, आपके अपने गोल्स नहीं है। अरे गोल्स बनाओ भाई, रोज पागलों की तरह दीवानों की तरह उनका पीछा करो। बैठ गए भाई बस। देखो बात ऐसी है, मैं आपको बताता हूं आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। पॉइंट नंबर वन, सोशल मीडिया। आपको पता है कि आप लोग अपने दिन के कितने घंटे कितने मिनट जो हैं आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक। मैं बताता हूं पढ़ाई होगी, कर दो डिलीट। दम है आपके अंदर? है दम तो सर डिलीट करो, बस नहीं है दम, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। क्यों चाहिए सोशल मीडिया? इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अब एक ऐसा कौन सा अपडेट आ जाएगा, कौन सा भाई तू अंबानी है कि बिजनेस खो जाएगा, कमाल है यार। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, कोई काम नहीं आने वाला। आपको मैं कैसे समझाऊं ये बातें, कोई काम नहीं आने वाला भाई, कोई काम नहीं आने वाला, सिर्फ आपके, आपके माँ बाप के। आपके माँ बाप ने कभी आपको ऐसा बोला है कि चल आज पिक्चर देख लेते, पढ़ मत? अगर ऐसा बोला है तो पक्का बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, अगर ऐसा नहीं बोला है तो उनको पता है कि आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। पॉइंट ये है कि सर आप जिसको अपना बेटर हाफ समझ रहे हो, क्या वो एक्चुअली में आपका बेटर हाफ है, या वो सिर्फ और सिर्फ जो है भाई आपसे मजे ले रहा है? आप मुझे बताइए, आपको ये चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है या आपके लिए ये थोड़े दिन की मस्ती या थोड़े दिन की आपकी जो दोस्ती आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। और बताता हूँ क्यों नहीं पढ़ाई हो रही। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, फालतू के रिलेशनशिप के चक्रों से हट जाओ, उसके बाद अपनी तफरी छोड़ो। ये जो रोज शाम को आपको मन करता है ना, चल घूमने निकल जाते हैं, ये जो रोज आपको मन करता है कि दोस्तों के साथ चलो मूवी देखाते हैं, गाड़ियों में घूम रहे भाई साहब, फुल ऑन तफरी चल रही है भाई, ये तफरी छोड़ो, मोटिवेशन अपने आप आएगी। सुबह उठ के आधा घंटे पहले लिखा करो कि जिंदगी में करना क्या चाहते हो, क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल क्या, लॉन्ग टर्म गोल क्या। कितनी बार लिखा है आपने और कितने दिन तक लिखा है आपने? सर 5 साल में एक बार लिखते हैं। अरे सरकार बनाओगे क्या 5 साल में एक बार लिख के भाई साहब? और बहनों, एज द केस में भी जो भी देख रहा, आप लोग अपनी फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। कोई भी व्यक्ति आपके घर में आके आपको डंडे मार के नहीं पढ़ा सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और खुद पढ़ाई तभी होगी जब आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन आएगी। अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगी? जब आप सेल्फ अवेयर होंगे। आप सेल्फ अवेयर ही नहीं है तो क्या आपसे लड्डू पढ़ाई होगी? आप बस चले जा रहे हो, अंधेरा रास्ता है, आंखें बंद करके उस पर चले जा रहे हैं। जो हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है। एक दिमाग में बात डाल लो, आपको रोज सुबह उठ के 5 से 10 मिनट 15 मिनट अपनी गोल्स के ऊपर, अपनी जो भी आपके टारगेट्स लाइफ में उनके ऊपर लगाना है, उनको लिखना है। थिंक ऑन पेपर, कह के थक गया यार, थिंक ऑन पेपर, दिमाग में चल रहे हैं टारगेट्स। कर कौन सा कोर्स है? सीए। कर कौन सा कोर्स है? एमबीए। अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग पढ़ते हो यार इन कोर्सेज के अंदर, इन सब्जेक्ट्स के अंदर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लगा लो अपनी लाइफ में। आप जो बिजनेस करने वाले मॉडल्स हैं अपनी पढ़ाई पे लगा के देखो कैसे सक्सेसफुल होते हो आप, कितने बजट्स बना लिए आप लोगों ने। सो प्लीज फॉर गॉड सेक अपने टारगेट सेट करो। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, बंद कर दो। और आउटपुट इस समय जब आपके एग्जाम में आपके 2 से 3 महीने रह गए, आपका आउटपुट कम से कम, नहीं तो मैं बता रहा हूं कम से कम, नहीं तो आपका सर 12 से 13-14 घंटे का आउटपुट मिनिमम निकलना चाहिए, मिनिमम। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया। अरे व्हाट्सएप क्या कर रहे हो? मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो क्या? सो प्लीज टारगेट्स, अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड फालतू के रिलेशनशिप। जो समझदार रिलेशनशिप में है वहां से तो मोटिवेशन मिलती है, वहां से पावर मिलती है पढ़ने की, वहां से डिस्ट्रैक्शंस नहीं बढ़ती हैं। और क्या कर सकते हैं सर? और पढ़ाई नहीं हो रही, भगवान के लिए मोटिवेशन ढूंढना बाहर बंद करो। ये 4th पॉइंट, भगवान के लिए मोटिवेशन बाहर ढूंढना बंद करो।
ये आप समझ नहीं रहे हो, ये सब खोखली बातें हैं। आई नो मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन वो अपने आप सेल्फ मोटिवेशन आनी चाहिए। और रहस है कि मैं आपको जिंदगी में जितनी आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ेंगे ना, जितनी आप कोई सी बुक उठा लो सर, रॉबिन शर्मा से लेके और सर आप नेपोलियन हिल तक कोई सी बुक उठा लो, आपको मैं सारी बुकों का सार बता रहा हूं एक लाइन में, अपने काम से काम रखो, अपने काम को अपनी जिंदगी दो। बस अपने काम से काम रखो और अपने काम को पूरी जिंदगी दो। बिलीव माई वर्ड्स, इससे ऊपर कोई चीज नहीं है यार। अगर आप अपने काम को अपना 100% देंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको नफरत क्यों हो रही पढ़ाई से? याद करो यार, तुम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला कभी? सुबह 5 बजे मैच होता था भाई साहब, सुबह 4:30 बजे उठ के बंदा तैयार। लेकिन यही कोई पढ़ने के लिए बोल दे कि सुबह 4:30 बजे उठना है, तो भाई साहब दिक्कत होती है जिंदगी में। क्यों होती है? क्योंकि क्रिकेट तो सर एंजॉयमेंट होती थी ना, वहां पे पागलों की तरह दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पसीने बहा रहे हो, काले ओवर पड़े हो धूप के अंदर बैठ बैठ के, और तब भी सर हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ जाते थे। क्यों उठ जाते थे? सोचो क्यों आपको उससे प्यार था? आपने उसे समय दिया, आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज को समय देते नहीं हो, फिर कहते हो सर ये टेंशन हो रही है, अब लास्ट मोमेंट पे आके पढ़ाई नहीं हो रही है। और टीचर से आप, मतलब आप क्या सोचते हो? मतलब मैं क्या बोलूं, सांत्वना देता हूं मैं आप लोगों को, जब आप टेलीग्राम में मुझसे बोलते हो ना कि पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ सांत्वना, बेटा कोई बात नहीं पढ़ ले। अंदर की बात यह है, आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, और जो पढ़ना चाहता है यार वो पढ़ रहा है, वो इस समय वीडियो भी नहीं देख रहा है, वो बैठ के पढ़ रहा है। उसे जरूरत नहीं है किसी की भी, उसे जरूरत नहीं है किसी नीरज अरोड़ा की या फिर किसी और मोटिवेशन स्पीकर की, घर बैठ के पढ़ रहा है। उसे पता है कि पढ़ूंगा तो होगा, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा। ये वीडियो सर वही लोग देख रहे हैं भाई, बहुत सिंपल, बहुत यार सिंपल से आप सादी बात बोल रहा हूं, जो लोग टाइम पास कर रहे थे अभी तक बस। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद इतना सा भी आपको सेल्फ अवेयरनेस आया ना, तो प्लीज जाके बैठो और पढ़ाई करो भाई, पागल हो जाओ, पागल दीवानापन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आप सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर हो, आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो ना, आपको अपने अंदर दीवानापन लाना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज प्लीज जो हो जहां हो उसमें सेटल रहो ना, भीड़ में बने रहो, किसने बोला आगे बढ़ने को, राइट? सो बस यार, ये जो रोज रोज मुझे रिक्वेस्ट आती है कि मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, मोटिवेशनल तो पता नहीं मुझसे बनी या नहीं बनी, बट हाँ एक सच्ची सीधी और सरल वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। अब आपकी मर्जी है, आपसे इसे फॉलो करते हैं या फिर आप फिर उसी धाक के 3 पात पे लगे रहते हैं। सुबह जल्दी उठो, 10-15 मिनट अपने आप को दो, 4 घंटे का आउटपुट निकालो सुबह उठते ही, बढ़िया सा ब्रेक लो, फिर 4 घंटे का आउटपुट निकालो, ब्रेक लो, फिर 4 घंटे का आउटपुट निकालो, हो गए 12 घंटे तुम्हारे यार। लेकिन तुम लोग मानते ही नहीं हो, सुबह उठना ही नहीं है, उठना है तो उसके बाद 1 घंटे तो मूड बनाना है पढ़ने का, 1 घंटे मूड बनाने के बाद फिर दोस्तों से बातचीत करनी है, तेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, फेसबुक पे क्या है, स्नैपचैट पे क्या है, वो क्या कह रही थी, वो क्या कह रहा था, इन्हीं सब बातों में लगे रहो। बोल दो फोन करके मैडम को, बहन नमस्ते, और बहने फोन करके बोल दें भाई नमस्ते। नहीं होता, अगर मैं कुछ नहीं बना तो आप लोग काम नहीं आओगे, सिंपल बात याद रखना, अगर आप कुछ नहीं बने तो कोई आपके काम नहीं आने वाला, मैडम किसी और के साथ जा रही होंगी और भाई साहब किसी और के साथ जा रहे होंगे। बोल दो फोन करके, 2 महीने बाद बात करेंगे। सच्चा प्यार है ना, सच्चा प्यार बहुत आपको लगता है ट्रू लव, शादी होगी हमारी तो ट्रू लव कैन वेट, राइट? बस यार इतनी बातें बोलनी थी, आई होप आप समझ गए, जाके पढ़ लो, ऑल द बेस्ट।